शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर, शिक्षा सुधार मानव कतार को लेकर रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा ने संपदा सम्मेलन में कहा कि आगामी 30 जनवरी को रालोसपा के द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को लेकर शिक्षा सुधार मानव कतार का निर्माण किया जाएगा और आम जनता को आग्रह किया जाएगा, जागरूक भी किया जाएगा कि शिक्षा में सुधार करना हम सभी का दायित्व बनता है। शिक्षा की गिरती समस्या से रालोसपा के सदस्यों में काफी आक्रोश है और इस पर कई बार आंदोलन भी चला रखे हैं और इस पर सुधार को लेकर कई बार अपना विशेष कार्यक्रम भी रालोसपा के द्वारा चलाई गई है। चिंतित के साथ साथ सरकार का ध्यान भी आकृष्ट करा रहा है कि शिक्षा में और बेहतर सुधार की जरूरत है, हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बगैर शिक्षा व्यवस्था को ठीक किए हुए इस राज्य की तरक्की नहीं हो सकती है। राज्य में पठन पाठन की स्थिति को सुधार कर ही शिक्षा को ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है और ये पार्टी के द्वारा घोषित कार्यक्रम। मानव श्रृंखला के लिए कितनी तैयारी आपकी? मानव श्रृंखला माननीय मुख्यमंत्री जी का है, दहेज पर है, बाल विवाह पर है, वो 21 तारीख को सरकार द्वारा घोषित है। आपके पार्टी द्वारा सरकार द्वारा घोषित 21 जनवरी को है और पार्टी के द्वारा घोषित 30 जनवरी को है। मानव कतार 30 जनवरी को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का शिक्षा में सुधार मानव कतार है और मुख्यमंत्री का है मानव श्रृंखला है 21 तारीख को। 21 तारीख को भी सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी भाग लेगा। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं सभी राजनीतिक दल से, सबों ने माना, सब लोगों ने कहा कि शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन हमने पहल किया है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने पहल किया है कि शिक्षा में सुधार अनिवार्य है। हम भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं, राज्य सरकार से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि अब भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही NDA की सरकार है। अब मेरी अपेक्षा जगा है कि अब शिक्षा में तेजी से सुधार होगा, तो शिक्षा में सुधार हो इसके लिए मानव कतार हम लगा रहे हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 30 जनवरी गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर। लगातार आपके पार्टी के द्वारा शिक्षा सुधार की पहल की जा रही, लेकिन अब तक बिहार में शिक्षा जैसे पहले था वैसे ही और बदतर होती है? बहुत हद तक शिक्षा में सुधार हुआ है। आप बता देते हैं शिक्षा में सुधार की स्थिति ये है, बिहार सरकार की तरफ से बल्कि जो लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या गैर सरकारी विद्यालय जो प्रशासकीय विद्यालय है उसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुविधा, बहुत सारे सुविधाएं योजना चलाई है, लगभग 7 योजनाएं चलाई है जिसका लाभ छात्र ले रहे हैं। मास्टरों की कमी थी उसको भी भरने की भरपूर कोशिश हो रही है, सिलेबस को टाइमली किया जा रहा है, तो बहुत कुछ सुधार नहीं हुआ है लेकिन सुधार की प्रक्रिया जारी। अभी भी प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फी, किताब हर साल बदला जा रहा है, उस पर आप लोग कोई? हम लोग का ये है, भारत सरकार की भरपूर कोशिश है NTC का कि आप उसका किताब चलवाइए, लेकिन हमने एक ही शब्दों में कहा कि शिक्षा में सुधार की प्रक्रिया शुरू है, बहुत कुछ सुधार नहीं हुआ है लेकिन सुधार की दिशा में हम बढ़ रहे हैं और हम जो प्राइवेट स्कूल है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है कि हमने प्रस्वीकृति प्राप्त किया है, आपको डोनेशन देते हैं, पैसा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में 25% गरीब के बच्चों को भी आपको मुफ्त आपको पठन पाठन करानी है उस विद्यालय। कब तक ये लागू है बल्कि कहीं से कंप्लेन आता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है कि आपने 25% गरीब के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दिन पर दिन सर शिक्षा गिरती जा रही है, कोई सरकारी विद्यालय में सर दो मिनट कोई दिन पर दिन शिक्षा बिगड़ती जा रही है, कोई निजी विद्यालय में कोई टीचर टाइम पर नहीं आते हैं, कोई बैनर तले धरना प्रदर्शन किया जाता है, सर दो मिनट दिन पर दिन शिक्षा गिरती जा रही है, कोई बैनर तले धरना प्रदर्शन भी किया जाता है, लेकिन कोई बच्चे का भविष्य भी खराब हो रहा है, क्या इसी तरह शिक्षा चलेगी? आपको बता देते हैं कि शिक्षा में व्यापक सुधार हो इसके लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आम नागरिक को जागरूक कर रही है और जागरूकता अभियान का एक बहुत बड़ा कड़ी है मानव कतार हम लगा रहे हैं, शिक्षा सुधार मानव कतार,
तो ये मेरा है कार्यक्रम, पार्टी का प्रोग्राम है जो 30 जनवरी को होने वाला है। इसलिए हम लोग सब जनता को बोलते हैं कि जागरूकता पैदा कीजिए, एक रोटी कम खाइए, बाकी बच्चों को स्कूल भेजिए, बच्चा स्कूल समय से जाए, मास्टर समय से स्कूल समय से छुट्टी हो, इसके लिए गार्जियन को भी तत्पर रहने की जरूरत है। क्योंकि सभी सरकारी विद्यालय में विद्यालय समिति होती है और विद्यालय समिति के मेंबर वही होते हैं जो उनके गार्जियन, जिनके बच्चे उस